इस सवाल है कि जी प्लीज क्लैरिफाई इन व्हाट सिचुएशन मुस्लिम्स आर अलाउड टू गेट मैरिड फोर टाइम्स और मोर। इसपे असल जोर पहले जुमले पर है या आखिरी पर है? देखिए, ये सारे मसले को आमतौर पर बिल्कुल गलत तरीके से बयान किया जाता है। इस्लाम में जो शादी का इदारा है ये बड़ा मुकद्दस इदारा है। ये महज एक औरत और मर्द का अपने जिंसी ताल्लुक को कानूनी बनाने का नाम नहीं है। ये असल में आइंदा नस्लों की परवरिश के लिए खुदा का कायम करदा इदारा है। जब ये अमेरिका में हम जिंस प्रस्ती का मुकदमा हुआ तो उस पर जो अमेरिका की चीफ जस्टिस ने फैसले पे इख्तलाफी नोट लिखा है वो पढ़ने का है। बहुत खूबसूरत तरीके से उसने बताया है। ये अमेरिकी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का नोट है, अगर आपको मौका मिले तो पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये आप शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक मुकद्दस मजहबी इदारा है। कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए जो आपको करना है। ये इदारा इंसानों ने नहीं बनाया, ये तो इसकी अपनी एक गैर मामूली तारीख है। तो इस वजह से जब हम शादी करते हैं तो असल में आइंदा नस्लों की परवरिश के लिए, पर्दाख्त के लिए, एक बच्चा पैदा होता है। इंसान का बच्चा जानवर के बच्चे की तरह अगले ही लम्हे उठ के खड़ा नहीं हो जाता, वो बिल्कुल नातवां होता है, बेशुमार मराहिल से गुजरता है। कदीम ज़माने में शायद 12-13 साल तक, अब तो 25-30 साल तक उसको वालदैन की सरपरस्ती की ज़रूरत होती है। इसलिए कि तालीम के मौके, पाँव पर खड़ा होना अब मौखर हुआ है, मुकदम नहीं हुआ। जदीद ज़माने में एक बड़ा किरदार एक मियाँ बीवी अदा करते हैं, तब एक इंसान अगली दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार होता है। इस मुकद्दस इदारे को हर तरह के नज़ा से, हर तरह के इख्तलाफ से और हर तरह की बेरहरवी से पाक किया है अल्लाह ताला ने, ताकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इर्तकाज़ हो उस नई नस्ल पर और वो उनकी तरबियत करें। तो इसलिए शादी तो एक मियाँ बीवी के दरमियान होनी चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी तरफ इशारा भी फरमा दिया कि जब इस दुनिया की इब्तदा की तो आदम के लिए एक ही हव्वा पैदा की है, फोर और मोर नहीं पैदा की, एक ही की। तो इसलिए अच्छा घर भी इसी से आबाद होता है, ऐसे ही रहना चाहिए। अलबत्ता अल्लाह ताला किसी चीज़ पर पाबंदी लगाते हैं तो उसमें ये लिहाज रखते हैं कि वो पाबंदी कहीं लोगों के लिए मसला ना बन जाए। तो एक से ज़्यादा शादी पर पाबंदी नहीं लगाई। सही प्रेजेंटेशन ये है, आप अपने हालात के लिहाज से किसी मुल्क में कानून साजी करके पाबंदी लगा लें, रोका भी नहीं इससे, लगा दीजिए पाबंदी। क्योंकि आपकी लगाई हुई पाबंदी अगर कल मालूम हो जाएगा कि ठीक नहीं लगी तो कोई पार्लियामेंट उठा के कानून को ख़त्म कर देगी। खुदा पाबंदी लगा देता तो फिर उसको कौन ख़त्म करता? तो इसलिए सही प्रेजेंटेशन ये है कि अल्लाह ताला ने एक ही मियाँ बीवी के साथ घर को आबाद करने की तालीम दी, यही उसकी बनाई हुई फितरत है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर कोई तमद्दुनी, सियासी, समाजी, अखलाकी ज़रूरत हो तो अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई। बाहमी तरीके से आप जो कानून चाहें बना लें। आपके इलम में होना चाहिए कि दुनिया तब्दील होती रहती है। आप जिस आज की दुनिया में रहते हैं इसमें अब सारी दुनिया में एक मसला बना हुआ है कि दो से ज़्यादा बच्चे ना पैदा हों, बल्कि चीन तो एक अभी तजर्बे से गुजरा है कि एक भी नहीं पैदा होने देते थे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कबायली तमद्दुन में इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर सकता था अगर उसके 30-40 फर्जंद ना हो, जी नहीं सकता था। अभी भी आप अफ़गानिस्तान के कबायली इलाकों में जाके देख लीजिए कि वहाँ क्या सूरत होती है। ये जो मुनज़्ज़म रियासत जिसमें आप आज रह रहे हैं, जिसमें एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे बन गए, ये पुलिस है, ये फ़ौज है, ये नहीं थे किसी ज़माने में। तो एक इंसान को या एक ख़ानदान को अपनी हिफाजत के लिए एक कुव्वत चाहिए होती थी। वो कुव्वत क्या थी? कुरान बयान करता है बनीना शहूदा, यानी दाएँ बाएँ कड़ियल जवान खड़े हों उसके बेटों में से थे। तो ज़ाहिर है कि अब एक बीवी तो इतने बेटे नहीं पैदा कर सकती थी। तो इस ज़रूरत के तहत लोगों को बहुत शादियाँ करनी पड़ती थी कबायली माशरों के अंदर, वो करते थे लोग। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन ये बता दिया कि आपको अचीव इसी चीज़ को करना है कि एक मियाँ बीवी के साथ आप अच्छा घर आबाद करें।